स्वामी हर सेवानंद पब्लिक स्कूल एवं स्वामी हर शंकरानंद जी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर की तरफ से समस्त काशीवासियों, छात्र छात्राओं, अभिभावकों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। मैं राजेश्वर सिंह पटेल, राजेश भाई, प्रबंधक माँ सरस्वती महिला पीजी कॉलेज चांदपुर वाराणसी। मैं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर काशीवासियों एवं देशवासियों तथा विद्यालय के समस्त छात्र और अभिभावकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अजय कुमार सिंह, प्रबंधक संजय सिटी मॉडल स्कूल। 26 जनवरी की मैं 26 जनवरी के पुनीत अवसर पर समस्त भारतवासियों का और विशेषकर बनारस के लोगों का बधाई देता हूं और आह्वान करता हूं कि सभी लोग स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और देश के विकास के लिए अपना सक्रिय योगदान दें। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार, मैं विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग राजकीय महिला महाविद्यालय DLW। मैं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त काशीवासियों एवं देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को जिन्होंने अपने बलिदान, त्याग और शौर्य से देश को स्वतंत्रता प्रदान किया, मैं उन सबको नमन करता हूं, उन सभी लोगों को, और पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। मैं थेल्मा डेविड स्कूल की प्रधानाचार्य निहारिका महापात्रा अपने परिवार के, अपने स्कूल के सारे सदस्यों की तरफ से देश के 70वें गणतंत्र दिवस पर बधाई देती हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि हमारा स्कूल, हमारा परिवार, जो देश में प्रतिज्ञाएं चल रही हैं स्वच्छता पर, बालिका को शिक्षित करने पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करें और देश को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग करें। धन्यवाद। हम मनोज कुमार सिंह, शेल्टर ट्रस्ट समाज सेवी संस्था वाराणसी के निदेशक हैं। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में काशीवासियों को शेल्टर ट्रस्ट संस्था की ओर से एवं संस्था से जुड़े व्यापक दिव्यांगजनों की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रणजय सिंह, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजयुमो। 26 जनवरी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और विशेषकर काशी के नागरिकों को ढेर सारी शुभकामना, हार्दिक बधाई। और काशीवासियों से यही आग्रह है कि जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्वच्छता को आगे बढ़ाए हुए हैं, उस तरह से हम काशीवासी घर घर से स्वच्छता का अभियान शुरुआत करके रोड तक ले जाएं, यही हमारी आशा है, इच्छा है, हम ये चाहते हैं। विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे। 26 जनवरी, 26 जनवरी के पावन पर्व पे हम राष्ट्र के नाम पे एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र आज बहुत उन्नति के शिखर पे पहुंच रहा है, तो इसका मुख्य योगदान श्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जाता है कि राष्ट्र विकास के पथ पर चल रहा है। और आज प्रवासी भारतीय को भी न्योता दिया नरेंद्र मोदी ने, जिससे हमारी देश की गरिमा में 4 चांद लगा और हमारी संस्था हमेशा समाज के प्रति जागरूक है। जय हिंद, जय भारत।
सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ।